तो ये सुकरात की बहुत बड़ी देन है कि आपको, जब हम इसकी फिलॉसफी को असेस करते हैं भाई क्या क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है और क्या कमी रह गई। एक और बात पाश्चात्य दर्शन में है कि जो पीछे की अपना कोई गुरु है उसकी बात पर जब हम कोई बात करते हैं सोचते हैं तो उसको क्रिटिसिज्म नहीं कहते पाश्चात्य वाले, उसको कहते हैं कंप्लीट करना, पूरक। हमारे गुरु की जो वाणी थी या हमारे गुरु की जो फिलॉसफी थी उसमें कुछ कमी रह गई थी, हम उसको पूरा कर रहे हैं, तो उसकी कमी को भी पूरा करने के लिए वो पिछला रेफरेंस ज़रूरी होता है। तो जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे तो हम पहले ये कहेंगे कि गुरु की ये कमी रह गई थी जिसको उसने प्लेटो ने पूरा किया। तो ये जो मेथड है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है, ये सारे लोगों के लिए, उन्हें दुनिया के लिए एक मेथड दिया है कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो डू नॉट टेक एनी थिंग फॉर ग्रांटेड। किसी ने भी कोई बात जो कही है उसको उसके कहने से कि बहुत बड़ा आदमी है, अभी इसके लिए मैं लॉजिक का शब्द, एक टेक्निकल शब्द यूज़ कर रहा था क्योंकि फिलॉसफी में शब्द मोटे मोटे आते हैं, फिलॉसफी वाले मोटे मोटे शब्द यूज़ करके लोगों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो उसका हम कहा कि बहुत बड़ी फैलेसी है, आर्गुमेंटम एड होमिनम। इसका मतलब है किसी की ऑनर को रेफरेंस करके कह दो कि ये तो शंकराचार्य ने कहा है। अब वो शंकराचार्य की बात पर जो आप कह रहे हैं तो उसका जवाब तो दे नहीं चाहेगा आदमी, बस ये कहेगा अच्छा तुम शंकराचार्य का अपमान कर रहे हो, इतने बड़े आदमी का अपमान कर रहे हो, तो वो दूसरे को चुप कर देगा, अपमान का तो तुम पर दावा कर दिया जाएगा तुम धर्मद्रोही हो। तो सुकरात की बात जो है वहाँ वेस्ट में ऐसी बात नहीं है, आर्गुमेंटम एडगोमेंट को लॉजिकल फैलेसी माना जाता है, यानी ये तर्क करना नहीं जानता आदमी, इसलिए बड़े आदमी का नाम ले दिया इसने। तो इन्होंने, सुकरात ने कहा कि किसी को भी, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसकी बात को कभी इसलिए स्वीकार मत करो कि बड़ा आदमी है, अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। श्रद्धा है तो आप किसी रिक्शा वाले में भी आपकी श्रद्धा है तो उसकी भी बात भी मान लोगे आप, लेकिन अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मेथड, तो ये जो क्वेश्चनिंग का मेथड है इसको उन्होंने नाम दिया डायलेक्टिकल मेथड, यानी द्वंद्वात्मक मेथड। एक बात एक आदमी ने कही, दूसरा आदमी ने उसकी विरोधी बात कही, फिर उसमें से कुछ निकलेगा। तो सुकरात की सबसे बड़ी देन ये मानी जाती है। बात ये कि बाकी चीज़ तो हम प्लेटो में ले आएंगे, इसने सब चीज़ें सुकरात से ही ली हैं कि नॉलेज, ओपिनियन नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज जो होती है तो यूनिवर्सल्स की नॉलेज होती है जिसको कंसेप्ट कहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है उसको प्लेटो ने नहीं माना, इनके चेलों ने नहीं माना, अरस्तु ने, वो ये है सुकरात का जो व्यू है वो है वर्चू। उसने एथिक्स इंट्रोड्यूस की फिलॉसफी में, मॉरल, और मॉरल को बहुत कठोर बनाने के लिए उसने कहा कि नॉलेज इज वर्चू। जिस आदमी को जितना ज्ञान होगा ज़्यादा अच्छा, उतना ही वो भले और बुरे में पहचान कर पाएगा। जिस आदमी में ज्ञान नहीं है वो पाप और पुण्य में पहचान ही नहीं कर पाता, क्या पाप है क्या पुण्य है इसमें पहचान नहीं कर पाता। तो इसलिए जो नॉलेज वाले आदमी हैं, ज्ञान वाले आदमी हैं, ज्ञानवान आदमी पाप नहीं कर सकते, नॉलेज ही सबसे बड़ा वर्चू है, और जो ज्ञान, और ज्ञान सबसे बड़ा अभिशाप है अज्ञान। अज्ञान जिनमें होता है वो आदमी 10 गलतियां करते हैं, 10 जगह गलती करते हैं, दोनों जगह इंटेलेक्चुअल गलतियां भी बहुत होती हैं उनसे, और मॉरल गलतियां भी बहुत होती हैं। इंटेलेक्चुअल तो मान लेते हैं हम कि चलो एक आदमी अज्ञानी है, उसने स्पेलिंग गलत लिख दिए, हमने कहा तुम पिलो लिखो अंग्रेज़ी में, उसने PLO लिख दिया पिलो, और होना चाहिए PLUGH। तो इंटेलेक्चुअल आदमी को तो हम सब सोच सकते हैं कि वो गलती कर सकता है, लेकिन मॉरल फील्ड में भी ये कहते हैं कि मॉरल फील्ड में भी जो अज्ञानी हैं वो पाप कर सकते हैं, अज्ञान ही पाप का कारण है, और ज्ञान जो है जितना ज़्यादा, नॉलेज ही वर्चू है। आपको अगर धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे कहोगे कि मैं धर्म के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। तो धर्म का आधार ज्ञान है, और इन्होंने बड़े कठोर शब्दों में कहा नॉलेज इज वर्चू, नॉलेज इज वर्चू, ज्ञानी आदमी ही वर्चुअस हो सकता है।
तो इस पर आगे के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, इनके चेलों ने ऑब्जेक्शन तो शब्द वहाँ प्रयोग नहीं होते, पूरक किया। उन्होंने कहा था हमारे गुरु की ये कुछ कमी रह गई, और ऐसा है कि जो मैन ऑफ नॉलेज हैं और जो मैन ऑफ एक्शन है, उन दोनों में बड़ा अंतर है। आदमी एक्शन नॉलेज से नहीं करता, आदमी एक्शन करता है भावनाओं से, मन की भावना। ये मन की भावना जो है ये आदमी से पाप कराती हैं, अज्ञान पाप नहीं कराता। आदमी के मन की भावना प्रवृत्ति इसको कहते हैं। तो आदमी पाप करता है प्रवृत्ति के कारण, और आदमी पुण्य करता है। अगर ना भी ज्ञान हो तो आदमी पुण्य आप कर सकता है, अगर उसकी प्रवृत्ति है पुण्य की तरफ को। तो इसलिए नॉलेज को वर्च्यू कहना ये ठीक नहीं है, हमारे गुरु ने ठीक नहीं कहा। बल्कि आगे जा कर के सुकरात ने तो बिल्कुल क्लियर ही दिखाया कि इंटेलेक्चुअल कैन ऑल्सो भी रोग, जो बड़े बड़े बुद्धिमान आदमी हैं वो भी गुंडे और बदमाश हो सकते हैं। और उसने मिसाल दी, उसने कहा बहुत सारी मिसाल ये है कि जो बहुत ही मैन ऑफ इंटेलेक्ट होते हैं, बहुत ही ज्ञानी आदमी होते हैं, वो अदालत में जाकर के अपने ज्ञान के आधार पर छूट जाते हैं, और जो बेचारे ऐसे आते हैं कम ज्ञान वाले, वो छोटा भी अगर माचिस भी उन्होंने चुराई है तो उनको भी सज़ा हो जाती है। तो ये इंटेलेक्ट जो है ये उनको जानते हैं कि मैं अपने इंटेलेक्ट के आधार पर, जिसको सोफिस्ट कहते थे, कि सोफिस्ट ये कहते थे कि हम तो ऐसे आदमी पैदा करते हैं, वाइज मैन वो है जो लॉ के अंदर फ्लो निकाल सके, यानी वकील। तो उसने कहा वाइज मैन तो वो होते हैं जो लॉ में से फ्लो निकाल लें, उसको तो उनको सज़ा होगी नहीं कभी भी, तो इसलिए वो पाप भी कर लें जानते हैं हमें तो सज़ा होगी नहीं, हम बढ़िया वकील कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो हमें बचा लेगी। तो इसलिए नॉलेज वर्चू नहीं है, नॉलेज वर्चू और चीज़ है, मॉरलिटी और चीज़ है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस बात का प्रमाण मौजूद है, जो बात वो कह रहे हैं सुकरात कह रहे हैं, सुकरात नहीं है, सुकरात के चेले प्लेटो और एरिस्टोटल कह रहे हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत पहले मौजूद है। देहरादून को, उसको दुर्योधन को जब बताने लगे कि तुम गलत काम तुमने किए हैं, पाप के काम किए हैं, इनको छोड़ दो, तो व्यास जी जैसे आदमी और ऋषि जैसे आदमी और उनके गुरु जैसे आदमी इतना समझा रहे हैं, पर उसने कहा जानामि धर्मम नचे प्रवृत्ति, तुम गुरु महाराज जो मुझे ज्ञान दे रहे हो धर्म का, मैं धर्म के बारे में खूब जानता हूँ, धर्म क्या होता है, लेकिन मेरी उस तरफ प्रवृत्ति नहीं, ये प्रवृत्ति मेरी जो है, जो मेरा मन जो है वो इधर की तरफ है, लड़ाई होनी चाहिए, द्रौपदी का चीर खींचना चाहिए, जुआ खेलना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे यहाँ तो पहले की कि मेंटल जो आपका मेंटल प्रेरणा जो है वो बुद्धि से तय नहीं होती, वो तो भावनाओं से तय होती हैं। तो पाप और पुण्य जो है बुद्धि तय नहीं करती है। तो ये हमने सुकरात का असेसमेंट लेकर के अब हम प्लेटो की तरफ आते हैं। प्लेटो सुकरात का सबसे प्यारा शिष्य था, इसलिए उसने अपने गुरु का सारा जो ज्ञान है उसको इकट्ठा किया। प्लेटो ने बहुत कुछ लिखा है, उनका उन किताबों का नाम है डायलॉग, सब किताबों का नाम लिखा उसने डायलॉग। डायलॉग इसलिए कि गुरु ने कहा है कि डायलॉग द्वारा ही नॉलेज आती है। एक पात्र उसने खड़ा किया, उसने कुछ बोला तो दूसरा पात्र उससे क्वेश्चन कर रहा है, तो सारे डायलॉग जो हैं लिखे हैं वो इतनी इतना लिखा है प्लेटो ने कि प्लेटो के बराबर कोई वाइज आदमी लोग मानते नहीं कि प्लेटो से ज़्यादा कोई वाइज आदमी होगा। उर्दू का तो मैंने बताया था कि उर्दू में तो उसको अफलातून कहते हैं, तू बड़ा अफलातून बन गया दुनिया का कहीं पर। तो प्लेटो ने सबसे पहले काम किया अपनी जो फिलॉसफी है कि उसने सोफिस्ट का जो नॉलेज का जो कम उनका नॉलेज क्या है इसके बारे में जो उनके थॉट थे सोफिस्ट के, तो सुकरात की तरह पहले उन्हीं का खंडन किया। प्लेटो ने कहा कि सोफिस्ट कहते हैं कि नॉलेज जो है एवरी मैन नॉलेज का मेजर है, मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग जितनी भी हैं। तो उन्होंने कहा उसने मैल को इंडिविजुअल बना करके नॉलेज को बिल्कुल नाश मार दिया। मुझे किसी चीज़ का कोई ज्ञान हुआ तो मैंने कहा मेरी ये व्यू है, तो वो उसका जो व्यू है उसको कहता है ये यूनिवर्सल नॉलेज है। दूसरा आता है वो कुछ और व्यू होता है उसका, तो कहता है यही नॉलेज है। तो कहते हैं हमें पता कैसे लगेगा कि नॉलेज असली ये बात ठीक कह रहा है, ये बात ठीक कह रहा है। तो सुकरात प्लेटो ने सबसे पहला काम यही किया
कि सबसे पहले उन पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि ओपिनियन कैन नेवर बी नॉलेज, एक आदमी की ओपिनियन कुछ है एक आदमी के, तो अगर एक देश के अंदर 100 आदमी रह रहे हैं 100 ओपिनियन हैं, और जब 100 ओपिनियन है तो उनको क्या, आपको क्या पता लगा कि नॉलेज क्या है। तो उन्होंने कहा नॉलेज वो है जो सबके लिए नॉलेज होती है। नॉलेज तो यूनिवर्सल ज्ञान है जो सबके लिए, ग्यारह ग्योर दो चार होते हैं, ये हर एक के लिए है। ये नहीं कि एक आदमी कह के जी मुझे तो दो और दो पाँच लगते हैं, दूसरा कहेगा जी मुझे दो और दो तीन लगते हैं, तो हर एक की बात को नहीं मान सकते। तो सबसे पहले प्लेटो ने खंडन किया, और बहुत आर्गुमेंट दे करके खंडन किया कि हम ओपिनियन को नॉलेज नहीं मानते, ओपिनियन कैन नेवर बी नॉलेज। वो एक आदमी की ओपिनियन हो सकती है, चाहे वो कितना ही महान ओपिनियन हो, कितना ही बड़ा आदमी हो दुनिया का, और उसकी ओपिनियन जो है वो आप कहेंगे कि इस ओपिनियन को मान लो क्योंकि बहुत बड़ा आदमी कह रहा है, तो कहता है आई शैल रिफ्यूज़ इट बिकॉज इट इज़ द ओपिनियन ऑफ वन मैन। ये एक आदमी की ओपिनियन है, इसको हम नहीं मान सकते। या तो वो उसको एक्सपेरिमेंटली या किसी तरह से दिखाए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के पानी बन जाते हैं, तो इसको सबसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, और ये कहे कि कहीं भी चाहे चांद पर मिला लो ऑक्सीजन को तब भी पानी बनेगा, चाहे मंगल पर मिला लो तब भी पानी बनेगा, तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। नहीं तो हम किसी ओपिनियन को नॉलेज मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एवरी ओपिनियन कैन बी कंट्राडिक्टेड, हर ओपिनियन को कंट्राडिक्ट किया जा सकता है, तो वो नॉलेज कैसे हो सकती है। आपने मुझे आकर के कहा कि जी चांद जो है वो पश्चिम की तरफ से निकल रहा है, तो मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। मैं आप कहेंगे कि मैं तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी बात मानो, तो मैं कहूँगा नहीं जी मैं नहीं मान सकता, ये आपकी ओपिनियन है, नॉलेज नहीं है आपको। तो मैं किसी की भी ओपिनियन को फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। गुरु ने भी मेरे यही कहा है कि डोंट टेक एनी थिंग फॉर ग्रांटेड, किसी की बात को भी मत मानो। यही बात बुद्ध ने कही थी हमारे यहाँ, आत्मदीपो भाव, फैसला आप करो। 10 आदमियों की बातें सुन लियो, एक आदमी कह रहा है जी तू गधे के साथ जा रहा है तो गधे पे चढ़ के क्यों नहीं जा रहा, गधा तेरे साथ है। दूसरा कह रहा है गधा पतला है, ये आदमी मोटा गधे के ऊपर चढ़ गया मर जाएगा गधा, वो उसकी निंदा कर रहा है। किस किस की ओपिनियन को आप फॉलो करोगे? तो बुद्ध ने कहा आप दीपो भाव, अब भी अपनी बुद्धि लड़ाओ और बुद्धि से जो चीज़ मिले उसको मानो, ओपिनियंस को मत मानो। तो पहली चीज़ प्लेटो ने अपने गुरु से यही दी कि हम ओपिनियन को नॉलेज मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और सोफिस्ट को बिल्कुल कंडेम कर दिया। सोफिस्ट की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज थी उसको इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि सोफिस्ट को तो नॉलेज है ही नहीं, हो भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल को मान लिया है कि इंडिविजुअल जो है ज्ञान का आधार है, हर चीज़ का आधार है, तो इंडिविजुअल को आधार मानने से उन्हें नॉलेज कभी प्राप्त नहीं हो सकती। दे विल वो ओपिनियन में उलझते रहेंगे, ओपिनियन में उलझते रहेंगे, और ओपिनियन आर चेंजेबल, ओपिनियन तो एक एक मिनट पर चेंज हो जाती है, तो जो चीज़ इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है उसको हम ज्ञान कैसे कह देंगे? तो ये ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो ऐसा होगा जो चेंज ना हो, चेंजेबल नहीं है। आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, होसी भी सत्य। जो चीज़ पहले भी सत्य थी, जो चीज़ आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी, जिसको कंट्राडिक्ट करने के लिए फिर उतनी बड़ी नॉलेज चाहिए आपको जितनी हम लाए हैं। तो आप जो है नॉलेज को प्लेटो ने बहुत बड़े आर्गुमेंट दे करके बड़े बड़े लाए। दूसरी चीज़ प्लेटो ने क्या की, प्लेटो ने कहा कि इन्होंने जो कहा है सोफिस्ट ने कि नॉलेज थ्रू सेंसेस आती है, हमारी सेंसेस हमें नॉलेज देती हैं। आँख बताएगी कि कलर लाल है या पीला है, कान बताएंगे कि आवाज़ जो है ये कटु आवाज़ है या स्वीट आवाज़ है, मेलोडी कैसी है। तो हमारी सारी नॉलेज सेंसेस से आती है। तो यहाँ भी प्लेटो ने अपने गुरु की बात मानी कि सेंसेस तो बड़े डिसेप्टिव हैं, हमारे जो सेंसेस हैं ये रिलायबल नहीं है। पहली बात तो वही होगी कि हम किसको स्टैंडर्ड माने, हमारे सेंसेस में हम किसको स्टैंडर्ड माने। अब एक आदमी है उसकी आँख कमज़ोर है, डॉक्टर जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाता उसे पता नहीं लगता कि मेरी आँख में मोतियाबिंद है, तो उसे कोई चीज़ बड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही है, तो वो कहेगा कि फ्रिज वो होता है जो चारों तरफ से धुंधला धुंधला सा हो,
दूसरा आदमी और तरह, तो जो इनकी पहले प्रॉब्लम थी कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम, प्लेटो नहीं तो ये, प्लेटो आर द फर्स्ट फासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कॉमन मैन को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं वो फासिस्ट कहलाते हैं। तो पहला फासिस्ट दुनिया का प्लेटो था, क्योंकि कॉमन मैन को तो उसने कह दिया था तुम्हारी क्या समस्या, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड फिलोसफिकल प्रॉब्लम, तुम्हारी तो एक ही प्रॉब्लम है, हाउ टू फिल योर वैली, हाउ टू हैव डीप स्लीप। कॉमन मैन को बड़ी घृणा से देखता था। तो वो कहने लगा कि हम स्टैंडर्ड बनाएं कैसे, किस आदमी की, अब इसका एक आदमी का हाथ है उसमें कमजोरी है तो उसे जल्दी चीज़ें जो है सेंसेशन आ जाता है, तो उसने कोई चीज़ छी, उसने कहा तो बहुत गर्म है, दूसरे आदमी को सेंसेशन, वो तो हाथ मजबूत है सेंसेशन है, उसने कहा नहीं नहीं गर्म नहीं है, तो इस हाथ को स्टैंडर्ड माने, इस हाथ को स्टैंडर्ड माने। तो उन्होंने कहा जो हमारी सेंसेस हैं वो तो ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टैंडर्ड सेंस कौन सी है, और जो स्टैंडर्डाइज कोई सेंस तय नहीं कर सकते हैं उनकी बात को हम कैसे सही मान लेंगे। प्लेटो ने वही एग्जांपल दिए जो हम पहले बहुत बार कई बार कह चुके हैं, ये एग्जांपल हम कई जगह दे चुके हैं, उसने एग्जांपल दिए कि मैं अपने एक हाथ को गर्म पानी में डालता हूँ और एक हाथ को बिल्कुल ठंडे आइस कोल्ड पानी में डालता हूँ और बीच में ऑर्डिनरी पानी रख लेता हूँ, तो जिस हाथ को मैंने आइस कोल्ड वाटर में डाला है उसको जब मैं निकालूँगा तो वो बाल्टी में कहेगा पानी गर्म है भाई, गर्म पानी, हम तो ठंडे पानी से नहाते हैं गर्म पानी से नहीं, और जो पानी मैंने गर्म पानी में हाथ डाल रखा था बहुत गर्म पानी है, जब वो वहाँ डालेगा तो कहेगा हाँ ये पानी बड़ा शीतल है। तो प्लेटो ने यही एग्जांपल, ये हम बार बार कोट कर चुके हैं, तो इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं कौन सी इंद्रियों पर विश्वास करूँ, इस हाथ पर विश्वास करूँ या इस हाथ पर विश्वास करूँ? तो प्लेटो ने इस बात को भी खंडन किया सोफिस्ट के हमारी इंद्रियाँ हमें नॉलेज नहीं देती हैं, हमारी इंद्रियाँ हमें डिसीव करती हैं। और जो उन्होंने एग्जांपल दी थी, इसमें भी हमने बात की कि उन्होंने कुछ साइंस की एग्जांपल दी, कुछ विज्ञान की थी, कुछ ज्योमेट्री की थी, तो वो तो साइंस वाले के जो है, लेकिन हम अपने हिंदुस्तान की सादा एग्जांपल देते हैं कि मैं एक जगह खड़ा हूँ और वहाँ रेल की पटरियाँ मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो मेरी आँखें सही ज्ञान दे रही हैं धोखा दे रही हैं? तो कहता ऐसे इल्यूजन्स बहुत जगह हो जाते हैं, और इल्यूजन ही नहीं है, बहुत सारे इस इल्यूजन में क्या होता है कि स्टिमुलस बाहर मौजूद होता है, उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, बाहर एक धोती हिल रही है तो स्टिमुलस तो बाहर मौजूद है वातावरण में, लेकिन इंटरप्रिटेशन हमने गलत कर दी, हमने कहा कि वो हमारी जो मरी हुई ताई थी ना, वो 20 साल पहले जो मर गई थी वो ऐसी साड़ी पहनती थी तो ताई घूम रही है कमरे के अंदर, तो ये तो हो गया इल्यूजन। अब हमारी आँखें इल्यूजन बहुत पैदा कर देती हैं, एक दो नहीं सैकड़ों इल्यूजन पैदा हो जाते हैं, हम इल्यूजन को कैसे सत्य मान लें? और वो कहता इतना ही नहीं, हमारी इंद्रियां हेलुसिनेशन भी पैदा कर देती हैं, हेलुसिनेटरी फिनोमेना में बाहर स्टिमुलस नहीं होता, वो अपने आप ही हमारी आँखों के पीछे ऑप्टिक नर्व हैं, वो ऑप्टिक नर्व किसी कारण से गर्मी से या किसी कारण से बीमारी से वो ज़्यादा अंदर से स्टिमुलेट हो जाती हैं, तो हमें बाहर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। अंदर से स्टिमुलेट हो गई मेरी ऑप्टिक नर्व, तो मेरे मन में जो है एक इच्छा है कि मैं किसी शेर के साथ जाकर लड़ूं, और ये मेरी इच्छा जो है जैसे ही ऑप्टिक नर्व होगी तो मुझे सामने शेर दिखाई देने लगा, मैं कहूँगा शेर आ रहा है, कहाँ है शेर? तो लोग उसको कहेंगे तो भूत प्रेत आ गया इस पर, लेकिन प्लेटो ये कहेंगे कि हेलुसिनेटरी फिनोमेना बीमार आदमी में बड़ा कॉमन है, बीमार आदमी को कॉमन देखने लगते हैं, उसे चारों तरफ दिखाई देते हैं आदमी के एंजल्स खड़े हुए हैं, और जो आदमी पाप की वजह से उसे ये लगता है कि चारों तरफ हमारे जो हैं वो जिब्राइल फरिश्ता खड़ा हुआ हमारी जान खींच रहा है। तो कहते हैं बीमार आदमियों में बड़े हेलुसिनेशन हो जाते हैं, तो हम इंद्रियों पर कैसे विश्वास कर लें जब वहाँ कोई है ही नहीं, तो आँखें देख रही हैं कि देखो ये मेरी जान खींचने के लिए आया ये फरिश्ता खड़ा है मेरी, और जो पुण्यात्मा है वो कहेंगे ये फरिश्ते खड़े हैं ये मुझे स्वर्ग में ले जाने वहाँ ले जाएंगे जन्नत में, तो कहाँ दिखाए? तो प्लेटो ने ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट दिए हैं जिसमें प्लेटो ने कहा कि इंद्रियाँ जो हैं हमें ज्ञान नहीं देती, हमें इंद्रियाँ तो हमें भटका देती हैं, कई बार हम इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, हम किस चीज़ पर विश्वास करेंगे? बुद्धि पर, बुद्धि लड़ाओ। एक झाड़ी दिखाई दे रही है, काली झाड़ी है,
एक आदमी छत पर खड़ा हुआ दूर से देखा दिख रहा है, तो कहने लगा कि एक रीछ खड़ा हुआ और नाच रहा है। तो वो उसको रीछ देखा, वो एकदम डरेगा, बुलाएगा लोगों को। तो एक आदमी बुद्धि से काम लेकर के कहेंगे कि एक तो ये अगर रीछ होता तो हिलता, क्योंकि जानदार आदमी इतनी देर बिल्कुल बिना हिले नहीं खड़ा रह सकता। फिर दूसरे उन्होंने कहा कि अगर ये रीछ होता तो ज़रूर ज़रूर शिकार की तरफ झपटने के लिए आगे बढ़ता, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो इसलिए वो बुद्धि लगा के कहेंगे रीछ नहीं है। अब इसके पास जाके देखा, वो काली काली झाड़ी वो रीछ जैसी शक्ल की बनी हुई थी। तो बुद्धि हमें ज्ञान देगी, बुद्धि सारी ये जो डिस्टॉर्शन है सेंसेस का, जो हमारी इंद्रियां गलत ज्ञान दे देती हैं, इनको सही करने का काम जो है वो हमारी बुद्धि करेगी। तो रीज़न इज़ द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। ये भी सुकरात से इन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने कहा हमारे गुरु ने हमें बताया था कि रीज़न को यूज़ करो, यूज़ योर रीज़न। इंद्रियां आपको जो गलत बातें कह रही हैं, सेल्फ कंट्राडिक्टरी चीज़ें ला रही हैं, या उनमें कंट्राडिक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके रिमूव करने का आपके पास क्या सारे बुद्धि। और बुद्धि के जो नियम होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें एक्सेप्शन नहीं होती। बुद्धि जो नियम बनाएगी वो यूनिवर्सल नियम बनाएगी। तो बुद्धि के जो नियम होंगे, बुद्धि से जो ज्ञान आएगा आपके पास, वो ऐसा ज्ञान आएगा जो यूनिवर्सल ज्ञान होगा, उसमें कोई कंट्राडिक्शन वगैरह नहीं होगी। तो उन्होंने सोफिस्ट की इस चीज़ को भी बिल्कुल खंडन कर दिया कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं आता। यही उन्होंने अपने गुरु से लिया था सुकरात। इन दोनों चीज़ों के कारण से सोफिस्ट को बिल्कुल नष्ट कर दिया। यूनान में एक भी सोफिस्ट नहीं रहा उनके ज्ञानों। तो प्लेटो ने जो रहे थे उनका भी नाश कर दिया।